हेलो गाइस, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए सभी को। और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी मॉम आई हुई हैं और मैं मॉम के साथ कहाँ जा रही हूँ, आप भी देखिए। और हम घर से निकल चुके हैं और मास्क तो अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, तो मास्क तो हम लोगों को पहनना ही है। और आप भी कहीं जाए तो मास्क पहन कर रखिए। ये देखिए, हम मार्केट में आ गए हैं निकल के। ये जगह जगह जो ये मिट्टी जो देख रहे हैं ना, ये हमारे गैस पाइपलाइन पड़ रही है, उसी का है ये। और ये सीवर लाइन की भी खुदाई चल रही है, कहीं कहीं पर रह गई है, तो ये उसी का ढेर लग रहा है। और अब मैं मार्केट में आ चुकी हैं। हम जाने वाले हैं कमला नगर, डॉक्टर अनिल शर्मा के यहाँ। तो अब ये हम लोग आने वाले हैं सिकंदरा रोड पर, आ चुके हैं। क्योंकि तो इधर से ही रास्ता होता है जाने का। ये देखिए, ये साइड में देखिए, ये सिकंदरा पर हम पहुँच गए हैं। ये बाहर से ही आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ सभी लोग आते जाते, पर इस टाइम भीड़ भाड़ कम रहती है। जब से ये लॉकडाउन वगैरह हुआ तो तब से कम आना जाना हो गया है यहाँ पर। और हम लोग कमला नगर जा रहे हैं तो इधर से ही होकर जाते हैं। और ये देखिए आगरा की सड़कें कितनी क्लीन, और ये इसीलिए हम बोलते हैं ग्रीन एंड क्लीन आगरा। लोगों ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर बने रहिए। आइए देखते हैं और क्या दिखता है रास्ते में। अब हम जा रहे हैं कमला नगर, क्योंकि वहीं पर डॉक्टर को दिखाना है। और अब ये बिल्डिंग जो आ रही है आप देख सकते हैं, ये रेनबो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी। अभी हमारे हस्बैंड का यहीं पर ऑपरेशन हुआ था, हार्निया का। और ये अभी सिकंदरा रोड ही चल रहा है। और ये गुरुद्वारा आने वाला है, और ये एशिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आगरा में है, गुरु का ताल। तो अब हम लोग उसी रोड पर चल रहे हैं और अभी दिखेगा एक झलक उसकी भी आपको। ये देखिए, गुरु का ताल की झलक आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए, और हम लोग उसी रोड पर चल रहे हैं। अभी गेट भी दिखेगा, ये आ गया है गुरु की ताल का मेन गेट। अभी बाहर से एक झलक आपको दिखा पा रही हूँ, अंदर से कभी मौका लगेगा दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत है और हर समय यहाँ लंगर चलता ही रहता है। ये देखिए, ये गुरु का ताल बहुत खूबसूरत, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है एशिया का। ये देखिए, काफ़ी बीच में बना हुआ है। और ये जो बना है ये पैदल सड़क क्रॉस करने वालों के लिए रेलिंग थी। और हम लोग पहुंचने वाले ही हैं। ये देखिए, ये भी रेलिंग वही है, पैदल चलने वाले जो क्रॉसिंग करते हैं। ये यहाँ पर देखिए मिट्टी का सामान बनता है, ये लोग झोपड़ी लगा कर रहते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। और ये मिट्टी की मूर्तियाँ वगैरह सब, क्योंकि अब गणेश जी लक्ष्मी जी का सीज़न आ गया है ना, दीपावली चल रही है, तो इनका भी धंधा पानी हो जाता है। और हम लोग कमला नगर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे तो पीछे आ रहे हैं वापस। ये कॉलोनी है, इसमें एंटर कर रहे हैं। ये हम लोग पहुंच चुके हैं डॉक्टर के। ये हमारी मम्मी जी हैं, उतर रही हैं धीमे से। आप देख सकती हैं कितनी दिक्कत हो रही है उनको चलने में।
ये हम डॉक्टर के यहाँ आ गए हैं। ये एके शर्मा डॉक्टर हैं। ये देखिए होम्योपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ये देखिए, और मैं भी एंटर कर रही हूँ। और कोरोना के चलते अब डॉक्टर साहब है ना, ये इनके यहाँ भी, ये देखिए सब चप्पल बाहर ही उतार के बैठ गए हैं। और ये डिस्पेंसरी है, ये इसमें ग्लास लगा हुआ है, ये बाहर से ही केवल दवाई देते हैं। और ये हम लोग इस तरह से बैठे हैं, मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, और डॉक्टर साहब आ गए हैं, दवाई ले ली है, उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ। अब हम वापस आ गए हैं और डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, तो मैं रास्ते में देखूँगी, अगर होंगे तो करवाऊँगी, नहीं तो फिर घर पे करवाती हूँ। और हम लोग फिर से वापस आ रहे हैं, तो अभी कुछ टेस्ट बताए हैं तो वो करवाने हैं, उसके बाद ही वो बाद में दवाई देंगे। ये देखती चल रही हूँ, यहाँ साइंटिफिक पैथोलॉजी से ही मैं सारा टेस्ट करवाती हूँ, तो उनकी एक शाखा इधर की तरफ भी है, तो देखती हूँ अगर हो जाएगा तो यहीं पर ब्लड दे देंगे। क्योंकि बिना चेकअप के फिर दवाई लेना भी ठीक नहीं होता, आप लोग समझ ही सकते हो। और ये देखिए हमारा आगरा ग्रीन एंड क्लीन आगरा है, तो वो सही बात है। और ये देखिए सुबह का टाइम है, मार्केट भी खुल चुका है। ये देखिए सारा मार्केट खुल चुका है। और ये बोला जाता है पचकुइयाँ जगह है हमारे यहाँ, वही है, जो लोग रहते हैं आगरा वो पहचानते होंगे इस जगह को। काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है यहाँ इस टाइम, और थोड़ा सा काम चल रहा है, तो थोड़ा सा वही सीवर लाइन और ये क्या नाम, गैस पाइप लाइन, कहीं पुलिया, कुछ ना कुछ चलता ही रहता। सारी सड़कें आगरा की निकली पड़ी हैं इसी चक्कर में। ये हम लोग आ गए साइंटिफिक पैथोलॉजी पर, और बेटा गया है अंदर बात करने कि अगर वो ब्लड यहाँ पर ले ले तो यहीं से दे के चलते हैं, देखते हैं। ये देखो बेटा हमारा बाहर आ रहा है निकल के, बोल रहा है 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, तो हम लोग सड़क पर वेट नहीं करते हैं, उसको घर पे ही आने को बोल दिया है, और घर पर ही अब मैं टेस्ट करवाऊंगी मम्मी जी का। हम लोग घर पर आ चुके हैं। ये देखिए हमारा गेट आ गया है, ये हमारा घर। मम्मी जी आगे बढ़ रही थी उनको लगा ये घर नहीं है, ये हमारा घर आ गया है, हमारे पेड़ पौधे हैं। और उनको भी देखो बुलाते हैं ब्लड लेने के लिए, वो भी आ चुके हैं। और ये देखिए ब्लड निकलवा रही हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे देख के डर लगता है ब्लड निकलवाने में बहुत ज़्यादा, सुई देख के ही डर लगता है, क्योंकि मेरे कभी बहुत कम, पूरी ज़िंदगी में कभी कभार सुई लगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगी है कभी, ना मैं कभी बीमार रही हूँ, तो इसलिए मुझे डर लगता रहता है। ये देखिए एक उसने सिरिंज भर ली, अब दूसरा भी निकाल रहा है। ये भैया जी हैं ना, यही हमारे यहाँ आते हैं ब्लड लेने, चेकअप करने जब भी होता है, तो इन्होंने ब्लड ले लिया है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूंगी, मेरी मम की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।